नेड कौन फेंक रहा है? पर ऐसा है बंदा फैलू, क्या हाल चाल है? होपफुली सब बड़ी होगा। अब देखो यार, डुओ रैंक पुशिंग का आज अपना पांचवा दिन है। एंड अभी के लिए यहाँ पे अपना इस डोमिनेटर जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब ये जो है ना वो कल ही हो जाता, लेकिन कल रात को यार यहाँ पे मैं गेम नहीं खेल पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो इसी वजह से यार यहाँ पे कल अपना इस डोमिनेटर नहीं लगता है। लेकिन फिर भी यार ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज अपन खेल के यार यहाँ पे इस डोमिनेटर तो लगा ही देंगे। उसके बाद यहाँ पे मुश्किल से मेरे को 600 या 700 पॉइंट्स चाहिए रहेंगे कॉन्करर के लिए, तो वो भी यार 3 से 4 दिन के अंदर ही अंदर बाय हो ही जाएंगे। बाकी आप लोग रहेंगे डियर, अभी क्या चल रहा है एक बार इधर में वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। एंड आज की वाली गेम प्लेस भी यार बहुत ओपी होने वाले, हर एक गेम में अच्छे खासे ओपी से किल्स तो रहेंगे रहेंगे। बाकी अब देखो फर्स्ट गेम प्ले की बात करें ना, तो देखो ये वाले मैच में अपन स्टार्टिंग में उतर के मर जाते हैं तो सीधा हॉस्पिटल लूटने आ जाते हैं। एंड यहाँ पे अपने को एक टीम मिल जाती है, और फिलहाल यार ये वाली टीम को तो इजीली वाइप आउट कर दिया था। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे अपन जोन के बाहर थे, तो जल्दी से यार इन लोग की पेटी वेटी लूट के जोन के अंदर निकल लिया जाता है। एंड जोन के अंदर पहुंचते यार यहाँ पे अपने को एक टीम भी मिल जाती है, और ये वाले बंदों को तो जो वाइप आउट किया है ना भाई, लिटरली पता नहीं कौन से नशे करके यार यहाँ पे भाई हम लोग के ऊपर ब्लाइंडली रश करते हैं। लेकिन जो भी यार अभी के लिए ये वाले बंदों को भर दिया था। एंड अब यहाँ पे किल्स ज्यादा हुए नहीं थे, तो यार जल्दी से लोग की लूट वूट करके और बंदों की तलाश में आगे साइड निकल लिया जाता है। आएगा क्या? और जस्ट थोड़ा ही आई साइड आते यहाँ पे भाई हम लोग को एक और बंदा मिल जाता है। अब ये वाले बंदे को तो इजीली भर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे सामने साइड दो बंदों के आपस में फाइट हो रही थी, जिसमें से यार एक बंदा जो था ना वो दूसरे को भर देता है। एंड बच्चा वो बंदा जो था वो बहुत ज्यादा ही डैमेज था, और इसको भी एक टैप मार के इजीली निपटा दिया जाता है। और उसके बाद सीधा इन लोग के ऊपर क्लोजिंग करने भी आ जाते हैं। पहले तो मेरे को लगा था कि शायद से इसका बंदा इसको रिवाइव दे रहा होगा, लेकिन इसका जो दूसरा बंदा था उसका तो अभी तक कुछ भी आता पता था नहीं। तो वहां से सीधा हम लोग यार रिज के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग को एक टीम मिल जाती है। और ये वाले बंदे को तो जो भाई गाड़ी से उतारा है ना, मतलब गाड़ी से जो इसको स्प्रे दिया है ना भाई, एकदम ही लाजवाब था। अगर पसंद है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। नेड कौन फेंक रहा है? पर ऐसा है बंदा बाकी। तो भाई यार ऊपर वाले बंदों को निपटाने के साथ यहाँ पे मुश्किल से ही कुछ 6-7 बंदे बचे थे। तो यार अब बंदों को तो ढूंढना ही था हम लोग को। सो जहाँ जहाँ भी गाड़ियां दिख रही थी या फिर हल्का सा भी कोई साइन दिख रहा था कि यार यहाँ पे बंदा हो सकता है, वहाँ पे सीधा स्लैम मार के या तो बंदे को निपटाएंगे, एंड अगर बंदा नहीं होता तो यार आगे वाली पोजिशन के लिए निकल लेते थे।
और भाई देखते ही देखते ये वाले मैच में अपन ने को इजीली चिकन मिल जाता है। और अब भाई यहाँ पे लास्ट वाला जो बंदा था ना उसको तो मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार ही दिया था। अगर एक और हेड जो है ना वो MG3 का दूर से लग जाता तो शायद से यार वो वाला बंदा भी यहाँ पे निपट जाता। लेकिन कोई बात नहीं यार, बढ़ते रहे आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ। आज के सेकंड मैच की बात करें तो देखो ये वाले मैच में ना सीन ऐसा था कि मॉर्निंग का ही गेम प्ले था और आज मॉर्निंग से ना लिटरली भाई अभी तक मेरे को इतने ज़्यादा हैकर्स मिल रहे थे ना। आज तक मैं जब से डुओ चालू किया ना तब से अभी तक मेरे को इतने सारे हैकर्स जो थे ना वो एक साथ नहीं मिले थे। इसके पीछे का मेरे को एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता क्योंकि यार कल तक यहाँ पे भाई 3-4 मैच 5 मैच 6 मैच के बाद एक आध हैकर मिल जाता था, लेकिन तो आज तो भाई हर एक मैच हर एक दूसरे मैच या फिर बैक टू बैक भी हैकर्स मिल रहे थे। अभी के लिए यार यहाँ पे थोड़े हैकर्स कम तो हुए हैं, लेकिन पता नहीं यार यहाँ पे पबजी की तरह पूरी तरीके से कब गायब होंगे ये वाले हैकर्स, ये तो भाई पता नहीं कौन ही बताएगा। जब तक BGMI वाले अपना खुद का एंटीवायरस सिस्टम नहीं निकालेंगे तब तक तो यार ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी तक यार यहाँ पे क्राफ्टन ने भाई BGMI को अभी तक सीरियसली लिया ही नहीं है। BGMI का फर्स्ट एनिवर्सरी आके चला गया और अपने को फर्स्ट एनिवर्सरी के नाम पे क्या मिला। एक सस्ता सा कुर्ते पजामे वाला क्रेट, सीरियसली BGMI, इससे अच्छा तो यार यहाँ पे मैं पबजी की यार खेल के ही खुश था। यहाँ पे भाई मैं तो भाई अभी तक यही सोचता हूँ कि यहाँ पे भाई BGMI आया ही नहीं होता, पबजी बैन ही रहता, एटलीस्ट भाई यहाँ पे पबजी की यार खेलते खेलते अपन खुश तो थे वहाँ पे। लेकिन नॉर्मल प्लेयर्स के ओपिनियंस तो कहीं मैटर करते हैं, इन लोग को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। BGMI जो है वो निकाला ही पैसे कमाने के लिए है, तो यार नया कंटेंट नए इवेंट्स एंड ये सारी चीज़ें देख के तो उनको क्या ही फ़ायदा मिलेगा। यार वापस इधर गेम की बात करना तो देखो अभी के लिए लास्ट जोन आ चुका था एंड हम लोग को छोड़ के दो और बंदे बचे थे एंड दोनों के दोनों जो बंदे थे ना वो इधर जोन के बाहर से जस्ट जोन के अंदर आए थे एंड दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे जंप कर रहे थे। सो थोड़ी देर इन लोग के साथ बात बात करने के बाद यहाँ पे भाई लास्ट जोन भी आने वाला था, तो यार इन लोग को निपटा की ही वाले गेम में चिकन ले लिया जाता है क्योंकि इन लोग को चिकन चाहिए नहीं था, तो क्या फर्क पड़ता है, अपना वैसे भी रैंक कुछ चल रहा था और एक फ्री का चिकन मिल रहा है तो कहां से हाथ से जाने देंगे। बाकी बढ़ते हैं आज के थर्ड एंड लास्ट गेम प्ले की तरफ। सब देखो ये वाली गेम प्ले की शुरुआत ऐसे होती है कि यहाँ पे मैं भाई टावर पे उतरा था, लेकिन उतरते मेरे को गन नहीं मिलती तो मेरे को उधर से उधर भागना पड़ता है एंड लकीली यहाँ पे आगे जाके मेरे को गन भी मिल जाती है। सो ऊपर से चढ़ के सीधा पहले एक बंदे को नॉक देता हुआ एंड दूसरा बंदा जो था वो वहीं पे TPP लेके बैठा था, तो सीधा कुछ करने का कुछ मतलब था नहीं, इसलिए राइट साइड से थोड़ा सा फ्लैंक मारता हूँ और ये वाले बंदे को भी इजीली निपटा दिया जाता है। एंड ये दोनों बंदों को निपटाने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में एक और बंदा बचा था जो कि यार इवेंट के बाहर की साइड कहीं पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पे जंप एंड पंच करके यार थोड़ा सा बाहर की साइड आते हैं एंड ये वाले बंदे को स्पॉट करके इजीली इसको भी निपटा दिया जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत था क्योंकि ये वाले बंदे को जैसे भरता हूँ ना उसके बाद पीछे की साइड वापस से और बंदों के आपस में फाइट हो जाती है, तो यहाँ पे मैं समझ गया था कि यार अभी भी यहाँ पे बंदे जो है ना वो इधर खत्म नहीं हुए। एंड ये वाले बंदे को भरने के साथ ही यहाँ पे सक्सेसफुली जो था ना वो अब टावर क्लियर हो चुका था, तो अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात थी नहीं और हमसे ये वाले बंदों की पीटिया लूट के यहाँ से निकल लेते। लेकिन घूम फिर के यार यहाँ पे हम लोग को वापस से यही वाले टावर पे आना पड़ता है बंदों की तलाश में।
लेकिन अब भाई यहाँ पे एक ही बंदा था तो यार इसको मारने में यहाँ पे ज्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे लास्ट जोन भी जो था वो आ चुका था, तो अब थोड़ी सी इंटेंस सिचुएशंस होने वाली है। और अब भाई ये बात तो है कि यार जैसे यहाँ पे भाई मैं सोलो से स्क्वाड में शिफ्ट हुआ था ना, यहाँ पे मेरे कार स्प्रेज एंड सारी चीज़ें थोड़ी थी ना वो थोड़ी थोड़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन टाइमिंग के साथ ये सारी चीज़ों को भी हम लोग ने भाई इजीली ठीक कर लिया है। भाई अभी तरफ वापस गेम की बात करें ना, तो देखो नेक्स्ट जोन जो था वो यहाँ पे हल्का सा आई साइड शिफ्ट हो चुका था एंड अब यहाँ पे लास्ट के दो ही बंदे बजे थे। अब एक बंदा जो था वो इधर मेरे को ओपन में लेटा हुआ स्पॉट हो जाता है, तो उसको तो यार यहाँ पे गाड़ी चढ़ा के इजीली निपटा देते हैं। लेकिन अब लास्ट बंदा जो था वो इधर सामने वाले ट्रैक्टर पे था और अभी के लिए यहाँ पे उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था, तो अब 1v1 की सिचुएशन बची थी। लेकिन जो भी यार एट द एंड ये वाले बंदे को भी यहाँ पे इजीली निपटा दिया जाता है। बाकी और बस ये था इसके लिए गेम प्ले। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से भी देखो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना एंड अगर वीडियो को सब्सक्राइब दोस्त से शेयर कर देना। बाकी तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस। आई एम हियर फॉर द मनी, आई एम हियर फॉर